हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो हम अभी क्या है, वर्ण पार्ट दो वर्ण पढ़े थे हमने, है ना। इसमें मतलब क्लास सेकेंड में हिंदी व्याकरण में, तो वर्ण में मतलब था कि आपको मैंने एक पोयम बताई थी कि सद धज कर अच्छे सच्चे निकले वर्णों के बच्चे, है ना। इसमें मैंने आपको ये बताई थी कि ये कविता में कि उछले कूदे हो गए दो दो, उछले कूदे पकड़े हाथ दो दो वर्णों के हो गए साथ, यह था। फिर ध्वनि और वर्ण बताई थी, जैसे श धन ए धन धन र धन आ, तो मतलब उसमें कैसे शब्द बने शेर। फिर मतलब ये सब मतलब शब्द थे जो ये पूरे जोड़ के बताई थी मैंने, ओके। उसके बाद था कि मतलब जो ऊपर उसमें ध्वनि कि जो परिभाषा थी कि ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, कि वर्ण की परिभाषा मतलब ये बताई थी कि ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। अब वर्ण के दो भेद भी थे, स्वर और व्यंजन। वर्ण के कितने भेद थे, स्वर और व्यंजन। अब उसमें आगे आपको बता देते हैं कि स्वर हिंदी वर्णमाला में मतलब कितने होते हैं, 11 स्वर होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। क्या होते हैं, 11 स्वर होते हैं, जो हमने इसके पहले भी कई क्लासों में पढ़े हैं, जैसे जो भी है फर्स्ट में ये वो। तो आप जैसे स्वर अ आ ई ओ उ री ए ऐ ओ औ, है ना, ये क्या हो गए, 11 स्वर हो गए। अब ये स्वर हम जैसे अ आ ई ओ उ री ए ऐ ओ औ, तो ये इन स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। अगर हम उसको बोल भी रहे हैं तो हमको ऐसा मतलब स्वतंत्र रूप से ऐसा लगता है कि हम उस चीज़ को बोल रहे हैं, उस स्वरों को बोल रहे हैं। तो ये वही है कि यहाँ पर ये जो स्वर है ये क्या है, इन स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। जो मैंने यहाँ स्वर लिखी हूँ अ आ ई ओ ओ री ए ऐ ओ औ, तो इनका उच्चारण क्या हो रहा है, स्वतंत्र रूप से हो रहा है। जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता से के बिना होता है उन्हें स्वर कहते हैं। अब यहाँ पे क्या बता रहा है, जिन वर्णों का उच्चारण यानी वर्णों का जो उच्चारण है वह किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना होता है उन्हें क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं, है ना। तो ये आपको मतलब जो मैंने बताई कि स्वर और स्वर की जो उच्चारण है वो बिना किसी मतलब किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना होते उन्हें स्वर कहते हैं। अब इसके बाद आएगा व्यंजन। तो इसके पहले हमने पढ़ लिए थे कि स्वर कि जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना होता है उन्हें स्वर कहते हैं। अब स्वर के बाद आता है व्यंजन। अब व्यंजन भी इसके पहले पढ़े हो आपने कि व्यंजन क्या है, कि हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, ओके। तो हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। अब वो 33 व्यंजन आपने इसके पहले भी क्लासों में पढ़े होंगे कि अब जैसे क वर्ग है तो क वर्ग में कितने व्यंजन आ रहे हैं, तो उसमें जैसे क ख ग घ अंग क्या हो गया, क ख ग घ अंग, है ना। फिर च वर्ग में ज छ ज ज इय, ट वर्ग में ट ठ ड ड ण, है ना, त वर्ग में त ठ द द न, प वर्ग में प फ ब भ म। तो ये मतलब कितने थे, क ज ट त प, ये वर्ग हुए। अब इनके अंतर्गत ये वर्ग के अंतर्गत इतने मतलब जो व्यंजन ही आए। उसके बाद य र ल व, अब य र ल व ये क्या है, अंतिष्ट व्यंजन है, चार। फिर श स स ह ये चार क्या है, उष्म व्यंजन है ना। तो ये अलग से है, अब अंतिष्ट यानी अंदर से जो बोले जाते हैं व्यंजन वो, और उष्म व्यंजन जो हवा के साथ गर्म हवा के साथ निकलते हैं वो उष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो ये स्वर के बाद में जो मैंने आपको व्यंजन समझाई ये होते हैं व्यंजन 33, यानी हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। फिर क वर्ग में क ख ग घ अंग, च वर्ग में च च ज ज ञ, ट वर्ग में ट ठ ड ण,
त वर्ग में त थ द ध न, प वर्ग में प फ ब भ म, य र ल व श स स ह। ओके, तो ये आप इसमें इस व्यंजन में मतलब ये जो क च ट त प ये वर्ग है, इसमें कुल 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं? 25 यानी 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, जो कि मतलब जो जब बोलते हैं तो जो हमारी जीभ है वो तालु और इसके साथ टकरा के या उससे शब्द जो निकलते हैं ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। वो कितने होते हैं? 25। और वैसे व्यंजन वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। तो ये स्वर के बाद जो व्यंजन था इसमें, अब इन वर्णों का उच्चारण करने पर मुँह से अ रूपी ध्वनि निकलती है। क्या निकलती है? अ ध्वनि, है ना। जैसे कि इन मतलब अब ये जो वर्ण है इन वर्णों के उच्चारण करने पर मुँह से अ ध्वनि निकलती है। अब जैसे बताती हूँ मैं कि इसमें अ ध्वनि कैसे निकलती हूँ बोल के सब ये बताएंगे आपको। ओके, तो इसमें ये जो है कि इन वर्णों के उच्चारण करने पर मुंह से अ की ध्वनि निकलती है। तो जैसे इन वर्णों के उच्चारण करने से करने पर मुंह से अ ध्वनि भी निकलती है। जैसे कि क धन अ बराबर क जैसे ख धन अ बराबर ख के ये। और फिर ग धन अ बराबर ग ये हो गए, है ना। अब जैसे इसमें बताया है कि मतलब जब यहाँ ये बता दिया है कि इन वर्णों के, अब जैसे हमने वर्णों का उच्चारण किया कि क अ ख ग, तो फिर इन वर्णों के उच्चारण करने पर मुंह से अ की ध्वनि निकलती है। अब जैसे क धन अ क, हमने क्या बोले? क धन अ क, तो क के बाद में अ सुनाई दे रहा है ना, बोलने के बाद में अ सुनाई दे रहा है ना, तो क धन अ बराबर क। फिर ख धन अ बराबर ख, लास्ट में अ सुनाई देता है, ग धन अ बराबर ग। तो ये क्या हो गए हिंदी वर्णमाला में, मतलब जब उच्चारण करने में जो ध्वनि निकलती है बाद में ये वो क ख ग इनके मतलब इसमें अ लगता है और उसके बाद बोलते हैं तो लास्ट में भी अ सुनाई देता है। तो ये है कि जब वर्णों में अ ध्वनि अलग कर ली जाती है तब उसके नीचे हल्का चिन्ह लगाया जाता है, यानी जैसे कि अ मतलब अलग कर ले रहे हैं तब उसके नीचे हल्का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे ये इस तरह से ये हल्का चिन्ह लगा देते हैं नीचे, ये हल्का चिन्ह लगाया जाता है, हल्का चिन्ह लगा देते हैं लगाया जाता है यहाँ पे फिर लगाया जाता है ना। काय काय के लिए जब वर्णों के साथ अ ध्वनि अलग कर ली जाती है तब उसके नीचे हल्का चिन्ह लगाया जाता है,
है ना। तो ये था आपका व्यंजन। इस व्यंजन के अंतर्गत मैंने ये बता दी कि वर्णों में जब कुछ बोलते हैं अ की ध्वनि जब निकलती है तो ऐसे निकलती है क धन और बराबर क। तो ये हो गया हमारा कि इसमें व्यंजन के अंतर्गत। ओके, तो हमने यहाँ तक पढ़े थे कि व्यंजन में यानी अ ध्वनि को जब अलग कर लिया जाए तब उसके नीचे हल्का चिन्ह लगाते हैं। अब जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। यानी अब यह बताया गया है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है तो उनको क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, है ना। अब इसके बाद मतलब ये स्वरों की सहायता से मतलब कर रहे हैं किया जाता है, तो अब मतलब उसके बाद फिर ये रहेगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, संयुक्त व्यंजन, है ना। तो मतलब वो इसलिए परिभाषा ही बताई है कि स्वरों की सहायता से किया जाता है उसे व्यंजन कहते हैं। अब संयुक्त व्यंजन ये क्या होता है और क्या है ये, मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको कि क्या है ये संयुक्त व्यंजन, क्योंकि वो स्वर की सहायता से किया जाता है इसलिए। तो ऐसे मतलब वो व्यंजनों का दो से योग बनता है संयुक्त व्यंजनों से, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और ये जो परिभाषा है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं, आपका होमवर्क भी है कि क से ज्ञ तक नोटबुक में लिखेंगे आप, ये होमवर्क है आपका। और उसके बाद मैं अभी रोल नंबर डालूंगी, 8 रोल नंबर के बाद, उसके बाद आप मुझे रीडिंग करते हुए भी वीडियो सेंड करेंगे हर बच्चे, और मेरे पास नाम उनके रहेंगे कि कौन से बच्चों ने वीडियो सेंड किए। ये आपका मतलब घर में क से ज्ञ तक नोटबुक में लिखना है, लिखें। ओके स्टूडेंट, तो आप इस तरह से ये पूरा करेंगे और इस व्याकरण में भी आप इसको पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं संयुक्त व्यंजन, फिर अनुसार, अनुस्वार, विसर्ग, ये क्या होता है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका जो पार्ट है ये इसको आप एक बार पढ़ेंगे भी, पार्ट दो वर्ण, इसको जो मैंने आपको इसके पहले भी पढ़ाई थी वो, और अभी जो पढ़ाई हूँ कि स्वर व्यंजन और ये पूरा, तो पेज नंबर 10 पे है ये इसको पढ़ेंगे भी आप। ओके, ये आपका होमवर्क है। ओके स्टूडेंट, तो थैंक यू, बाय।